When I was wearing Ultrahuman CGM device, that is continuous glucose monitoring device, many of the people used to walk up to me and ask me, is this device helping me or not? Is this device worth spending all that money? And is this device good for diabetics or pre-diabetics? In this video today, I am going to tell you that is CGM device going to help you get healthier or not? This video is not at all sponsored by any brand and contains my unbiased views about the reason why you should buy a CGM device and why you should not buy a CGM device. Welcome and welcome back to my channel VegFit. This is Priyanka here, your fitness and lifestyle coach. Let me first quickly tell you ki what is a CGM device. So, aapne bahut sare aise diabetes logo ko dekha hoga ki jo log apne saath mein ek machine rakhte hain, chota sa ek glucose monitor rakhte hain, jisse ki wo apna blood prick karke dekhte hain and they understand ki unke blood glucose levels kaise ja rahe hain when they are fasted, when they have eaten something. A constant glucose monitoring device does exactly the same thing, but it is constantly monitoring your glucose levels. That means ki aapko baar baar अपने आप को प्रिक करने की ज़रूरत नहीं है. कॉन्स्टेंट ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस में एक छोटा सा पिन होता है जो कि आपकी बॉडी के अंदर लग जाता है व्हेन यू इंसर्ट द डिवाइस एंड आफ्टर दैट इट इज़ कॉन्स्टेंटली टेकिंग मेजरमेंट्स व्हेन यू आर ईटिंग समथिंग, व्हेन यू आर नॉट ईटिंग समथिंग. सो कंटिन्यूअसली आपको अपने शुगर लेवल्स की रीडिंग्स मिलती रहती हैं. Now since this device cost around 4000 to 6000 rupees depending upon कि कौन सी ब्रांड का आप खरीद रहे हैं या फिर उस ब्रांड ने अभी कोई प्रमोशंस रन किए हैं या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये डिफरेंट प्राइसिंग में मिलता है. एंड दिस डिवाइस इज गुड ओनली फॉर 14 डेज. तो 14 डेज के बाद में ये डिवाइस आपके लिए यूजलेस हो जाती है एंड यू हैव टू थ्रो इट. नाउ सिंस दिस डिवाइस इज सो एक्सपेंसिव एंड इट इज ओनली देयर फॉर 14 डेज, इट मेक्स ऑल द मोर सेंस टू मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन दैट डू यू नीड दिस काइंड ऑफ अ डिवाइस और नॉट एंड इज इट गोइंग टू हेल्प यू मेक हेल्थियर और नॉट. करंटली अभी इंडियन मार्केट में ऐसी तीन कंपनीज हैं जिन्होंने अपने सीजीएम डिवाइस निकाले हैं. द फर्स्ट वन इज अल्ट्राह्यूमन, देन शुगरफिट एंड हेल्दी फाइन मी नाउ. ये सारी कंपनीज का जो सीजीएम डिवाइसेज हैं प्राइस रेंज इज मोर ऑर लेस द सेम. नाउ द रियल क्वेश्चन इज दैट डज सीजीएम डिवाइस हेल्प यू गेट हेल्दियर और नॉट. द क्विक आंसर इज नो. नॉट इफ यू आर फॉलोइंग अन अनहेल्दी रिजीम, इफ यू आर स्नैकिंग मल्टीपल टाइम्स अ डे, इफ यू आर ईटिंग लॉट ऑफ पैकेज्ड फूड्स, इफ यू आर ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ पैकेज्ड ड्रिंक्स एंड जूसेस एंड इफ यू आर ईटिंग अ लॉट ऑफ डेजर्ट्स ऑन अ डेली बेसिस, सीजीएम डिवाइस इज नॉट द फर्स्ट स्टेप इन योर हेल्थ एंड फिटनेस जर्नी. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? अगर आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अनहेल्दी प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप दिन में एक या दो बार केक्स, पेस्ट्रीज या डेजर्ट्स ऐसी चीज़ें कंज्यूम करते हैं, आपके घर में बहुत सारे पैकेज स्नैक्स हैं और आपको जब भी भूख लगती है आप हमेशा हल्दीराम का भुजिया खाते हैं, आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, यू आर मोस्टली अ काउच पोटैटो, यू आर मोस्टली इनएक्टिव इवन ड्यूरिंग द डे, पूरे टाइम तक आप बैठ करके अपने घर पर काम करते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव इंसान नहीं है, अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं देन आई वुड से कि आप सबसे पहले जो आपको चीज़ करनी है वो आपको ये सारे स्मॉलर हैबिट्स को फिक्स करना है rather than going and buying a device which is going to cost you 5000 6000 rupees. It really does not make sense for you if you are falling in this kind of a user bucket. But still, if you are somebody जिसको डेटा देख करके ही ये सारी चीज़ों की वैल्यू पता चलती है एंड यू हैव enough अमाउंट ऑफ मनी टू स्पेंड ऑन दिस काइंड ऑफ अ डिवाइस और यू आर लुकिंग टू जस्ट ट्राई दिस डिवाइस ऑन बिकॉज इट लुक्स कूल, देन गो अहेड एंड बाय दिस डिवाइस. आई विल नॉट से नो टू दिस, बट आई डोंट थिंक दैट दिस डिवाइस इज गोना हेल्प यू इन एनी न्यू इनसाइट्स if you are actually following a very unhealthy regime. Now let's say कि आप इतने unhealthy नहीं हैं, you are already following a healthy regime, आप घर का खाना खाते हैं, आप exercise भी करते हैं, आप Indian food खा रहे हैं, आप बाहर से ज़्यादा खाना नहीं मंगाते हैं, आप packaged snacks भी control करते हैं, but still you are not able to lose weight, then definitely this device can help you and understand what's happening inside of your body as soon as you eat food. हमारा जो इंडियन डाइट होता है एंड आई कीप सेइंग दिस इन अ लॉट ऑफ माय वीडियोस कि हमारा जो इंडियन डाइट है ये हैवी ऑन कार्ब्स है, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्ब्स हैं एंड कार्ब्स ही जो हमारे फूड होते हैं ये हमारा ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करते हैं. इफ़ योर मील्स आर लार्जली नॉर्मल इंडियन मील्स जिसमें ज़्यादा अमाउंट में कार्ब होता है तब भी आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल्स स्पाइक होते रहेंगे एंड कॉन्स्टेंटली एक हाई वैल्यू पे मेंटेन रहेंगे. अगर आपको इस चीज़ पे कोई भी डाउट है या शक है देन डेफिनेटली ट्राई दिस डिवाइस ऑन. फॉर एग्जाम्पल जो हमारा ब्रेकफास्ट होता है जिसमें हम यूजली पोहा, उपमा, इडली इस टाइप की चीज़ें खाते हैं या सैंडविचेस खाते हैं, इन सब में भी ज़्यादा अमाउंट में कार्ब होता है. वंस यू स्टार्ट सीइंग द डेटा यू विल नो कि दिस ब्रेकफास्ट प्रोबेबली इज नॉट द हेल्दीएस्ट ब्रेकफास्ट एंड मे बी यू नीड टू मेक सम चेंजेस टू इट. सिमिलरली जो हमारा इंडियन मील होता है उसमें भी रोटी है, दाल है, राइस है, सब्जी है, बट उसमें ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन नहीं होता है एंड बिकॉज एवरीथिंग हियर इज
मोस्टली कार्ब्स, उसकी वजह से भी आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल्स ऊपर जाते हैं. व्हेन यू सी ऑल ऑफ दिस डेटा थ्रू दिस डिवाइस ऑन योर मोबाइल फोन, देन यू कैन ऑल्सो आस्क दिस काइंड ऑफ स्पेसिफिक क्वेश्चंस टू द कोचेस. तो जितने भी ये एप्स हैं उसमें एक आपको सेक्शन होता है जिसके थ्रू आप कोचेस से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं. यू कैन आस्क दिस क्वेश्चंस दैट आई हैड दीज थिंग्स इन माई मील, वाई इज माई ब्लड ग्लूकोज लेवल्स गोइंग हाई. दे कैन आंसर यू की वॉट कैन यू डू टू फिक्स योर डाइट, एंड सेकेंड वॉट आर द थिंग्स दैट यू कैन डू वंस यू हैव टेकन दैट फूड. तो आपको अपने लाइफ स्टाइल में और अपने डाइट में क्या चेंजेस करने हैं, ये आपको यहाँ से डेटा भी मिलता है डिवाइस से, एंड यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद द कोचेस. सो दैट्स अनदर एडेड बेनिफिट. सो फार आई हैव ओनली टॉक्ड अबाउट द चेंजेस फ्रॉम लाइफ स्टाइल परस्पेक्टिव, बट हाउ अबाउट द पीपल हु आर डायबिटिक और प्री डायबिटिक. इस डिवाइस का जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो डायबिटिक और प्री डायबिटिक लोगों को है, क्योंकि उनकी लाइफ में सबसे बड़ा इम्पैक्ट है. आई स्ट्रांगली बिलीव कि आप सिर्फ सिंपल हैबिट चेंजेस, अपने मील चेंजेस और लाइफ स्टाइल चेंजेस करके ये डायबिटीज जैसी बीमारी को भी अपने से दूर कर सकते हैं एंड इवन रिवर्स कर सकते हैं. बट द ओनली थिंग यू नीड इज टू अंडरस्टैंड द डेटा, द फूड दैट इज इम्पैक्टिंग योर बॉडी एंड हाउ टू फिक्स दैट. वाई डिड आई बाय अ CGM डिवाइस? सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग कि जो भी हम खाना खाते हैं, जब हम उस खाने को खा रहे होते हैं तब उसके बाद में क्या होता है वो हमें कभी पता नहीं चलता. इट गोज इनसाइड आवर बॉडी एंड वी हैव बेसिकली नो क्लू अबाउट दिस. द साइंस ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन, हाउ आवर गट वर्क्स, हाउ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क्स रियली एक्साइट्स मी. एंड अल्ट्रा ह्यूमन डिवाइस वॉज वन स्टेप फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि मेरी बॉडी में जो ये मैं खाना खा रही हूँ उससे क्या हो रहा है. आई वोर दिस डिवाइस फॉर अबाउट 2 months एंड दिस वॉज फ्रॉम अल्ट्रा ह्यूमन. I have learned a lot about my food habits and what I really need to do to kind of manage my blood glucose levels better. And all of this learning I am going to share with you guys in the next video that is coming next week, and I will compile everything that I have learned from my experience of wearing Ultra Human CGM device for about 2 months. If you found today's video helpful in making the decision that you need a CGM device or not, and you think that one of your friend or relative is gonna help with this information, do share this video, do like it, and I'll see you in the next video. Bye-bye.